भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म के ट्रेलर ने आते ही ये दस्तक तो दे दी है कि भोजपुरी सिनेमा अब वो नहीं रह गया जिसके लिए उसे कम बजट, लो बजट, अश्लीलता ये भरे ताने सुनने पड़ रहे थे। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर देखिए और अगर इसे भोजपुरी की सबसे महंगी बजट वाली फिल्म कहा जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेलर से ही जाहिर हो जा रहा है कि फिल्म में अच्छा खासा पैसा डायरेक्टर राजकुमार पांडे ने बहाया है। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां तक कि म्यूजिक डायरेक्टर खुद राजकुमार पांडे हैं, जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के पिताजी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर की। तो फिल्म के ट्रेलर में प्रदीप पांडे चिंटू एक एक्शन पैक अवतार में हैं, जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि भोजपुरी फिल्मों में पवन सिंह के बाद अगर कोई एक्शन को पूरी तरह से निभाता है पर्दे पर तो वो कोई और नहीं प्रदीप पांडे चिंटू हैं। और आज की जनरेशन में प्रदीप पांडे चिंटू दर्शकों के बीच अपने एक्शन से एक अलग ही पैट बना चुके हैं। खैर, उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो डायलॉग उन्होंने बड़े ही संजीदगी से अदा किए हैं। मानना पड़ेगा कई जगह तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रही फिल्म के हीरो की बात, और अब चलते हैं फिल्म के विलन की तरफ। बॉलीवुड से साउथ और साउथ से अब भोजपुरी इंडस्ट्री, ये एक्टर राहुल देव की पहली भोजपुरी फिल्म है और फिल्म में उनकी एंट्री सबसे धासु है। जी हाँ, जिस तरह से हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के काफले के बीच फिल्म का विलेन आता है, वो फिल्म को और भी लार्ज बना देता है। इससे पता चलता है कि भोजपुरी का स्केल दिनों दिन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं फिल्म की हीरोइन सुरभि शुक्ला की। यह उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है और फिल्म में उनकी ब्यूटी यानी कि उनका जो चार्म है वो दिख रहा है। और अब आते हैं फिल्म के आइटम नंबर पर, जिसे मोनालिसा ने किया है। और आप तो जानते हैं, फिल्म में जब आइटम नंबर करने वाली मोनालिसा हो तो वो आइटम नंबर कितना खास हो जाता है। साथ ही फिल्म में गार्गी पंडित हैं, उनका भी फिल्म में एक खास रोल है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। तो फिल्म का म्यूजिक कर्णप्रिय है, जो कि खुद फिल्म के डायरेक्टर ने ही दी है। और फिल्म के कई गाने हैं जो सुनने में काफी बेहतरीन लगते हैं। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि फिल्म पूरी और पूरी तरह से आउट एंड आउट साफ सुथरी बनाई गई है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर गानों में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ और थोड़ा बहुत अश्लीलता जो दिखाई देती है, वो तो भोजपुरी की USP हमेशा से रही है। और अदरवाइज फिल्म का जो ट्रेलर आया है मार्केट में, पूरी तरह से उम्दा है और भोजपुरी के स्केल को बढ़ाता है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस बेकरार हो जाएंगे फिल्म देखने के लिए। और साथ ही साथ हम भी, क्योंकि जिस फिल्म का ट्रेलर इतना उम्दा है, फिल्म कैसी होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।